मशहूर होने के अपने अलग नुकसान हैं और इन्हीं कुछ नुकसानों में से एक है ट्रोल हो जाना पुष्पा वाली श्रीवल्ली यानी रश्मिका मंदाना भी इन दिनों ट्रोलर से परेशान हैं वैसे तो उन्हें काफ़ी पसंद किया गया था उनको नेशनल क्रश तक कहा गया लेकिन कुछ लोग हैं जो उनके पीछे नेगेटिव बनकर पड़ जाते हैं और उनको बहुत सारा ट्रोल करते हैं उनके लिए रश्मिका मंदाना ने कुछ पोस्ट किया है क्या कह रही हैं रश्मिका मंदाना मैं आपको बताता हूँ वो कहती हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पिछले कुछ दिनों से या हफ्तों से या महीनों या शायद सालों से परेशान कर रही हैं और मुझे लगता है कि उन्हें बयान करना ज़रूरी है मैं सिर्फ अपने बारे में बात करूंगी जो कि मैंने कुछ सालों पहले किया था मैंने जब से अपना करियर शुरू किया है तब से मैं ही ट्रोलर्स और नेगेटिव लोगों के लिए पंचिंग बैग बन गई हूँ रश्मिका कहती हैं कि मैं ये बात जानती हूँ कि जो ज़िंदगी मैंने चुनी है उसकी एक कीमत है मुझे ये भी समझ आता है कि मुझे अचानक ही हर इंसान प्यार नहीं कर सकता लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आप मुझे अप्रूव नहीं कर सकते तो आप मुझ पर नेगेटिविटी फेंकेंगे सिर्फ मुझे पता है कि आप लोगों को खुश करने के लिए मैं दिन रात किस तरह से काम कर रही हूँ रश्मिका कहती हैं मुझे सिर्फ इस चीज़ की परवाह है कि जो भी मैं कर रही हूँ उससे आपको खुशी महसूस होनी चाहिए मैं सच में ये कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे आपको और मुझे दोनों को गर्व हो ये बहुत ही ज़्यादा दिल तोड़ने वाला और मनोबल गिराने वाला है कि मुझे उन बेतुकी चीज़ों के लिए इंटरनेट पर लोग उल्टा सीधा कहते हैं जो कि मैंने कभी की ही नहीं रेशमिका आगे कहती हैं मैंने इंटरव्यू में कुछ ऐसी चीज़ें कहीं जिन्हें घुमा फिराकर मेरे ही खिलाफ़ करके पेश किया गया इंटरनेट पर फैल रही ये मनगढ़ंत कहानियाँ मेरे और इंडस्ट्री के बाहर मेरे रिश्तों के लिए बेहद खराब हैं मैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की सराहना करती हूँ क्योंकि वो मुझे इंप्रूव करने के लिए पुश करता है लेकिन इस खराब नेगेटिविटी और हेट का क्या कहें मैं इन चीज़ों को लंबे समय तक इग्नोर करती रही हूं रश्मिका ये भी कहती हैं कि हर दिन के साथ ये सब खराब होता जा रहा है और इस चीज़ को कहते हुए मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहती लेकिन मैं एक इंसान के तौर पर मिल रही नफ़रत की वजह से चेंज नहीं होना चाहती मैं आप में से बाकी लोगों से मिलने वाले हर तरह के प्यार की सराहना करती हूं और मैं एक्सेप्ट भी करती हूं आपका निरंतर प्यार और सपोर्ट ही है जिसने मुझे आगे बढ़ाया है और मुझे बाहर आकर ये कहने का सहारा दिया है रश्मिका ने यह भी कहा कि मैं अपने आसपास के सभी लोगों को प्यार करती हूं जिन लोगों के साथ मैंने अब तक काम किया है जिनकी मैंने हमेशा तारीफ़ की है मैं कड़ी मेहनत करना जारी रखूंगी और आपके लिए बेहतर करूंगी क्योंकि जैसा मैंने कहा है आपको ख़ुश रखना मेरे खुद को खुश रखने के बराबर है आप दयालु रहें हम सब अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं कहा तो ये सब है रश्मिका ने लेकिन लग ऐसा रहा है जैसे वो इस सब के पीछे से कह रही हूँ कि मैं एक एक की बाट लगा दूँगी जो मेरे पीछे पड़ा है वैसे हाल के दिनों में देखा गया है कि ट्रोलिंग एक ऐसी चीज़ है जो छुप कर वार करती है जिस पर तीर चलता है सबके सामने चलता है वो घायल होता है लेकिन वो पलट कर वार भी नहीं कर पाता क्योंकि एक दो तीन किस पर करे बहुत सारे लोग छिपे हुए वार कर रहे होते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे होते हैं उन्हें ये ट्रोलर्स पीछे ढकेलने का काम भी करते हैं वैसे हमारे देश में अब ज़रूरत महसूस की जा रही है कि ट्रोलिंग के लिए सख्त कानून बने ताकि ऐसे लोग जो किसी पर बेवजह वार करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जा सके आप लोग इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं क्योंकि आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं आपकी इसको लेकर क्या सोच है इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा